हम सब कम से कम एक शादी या कोई फंक्शन में जाते हैं और कभी ना कभी गंदे बाल या जिद्दी पिंपल की परेशानी से गुजरते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगी। एक छोटा पिंपल फंक्शन के एक दिन पहले ही आकर नाक में दम कर देता है, उस वक्त आपको करना है स्टीमिंग। आपका जहाँ पिंपल है उस जगह स्टीम ले और फिर उसके ऊपर क्रीम लगाए। दूसरा उपाय पिंपल्स के लिए, वहाँ बर्फ लगाए, पिंपल अपने आप दब जाएगा। चेहरे के बाल निकालने के बाद भी जब कुछ बाल रह जाते हैं तो वो हमें बहुत तंग करते हैं। यहाँ काम आएगा आपका पुराना ट्वीज़र जो आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ प्लक करें और काम हो जाएगा। डार्क सर्कल्स और फूली आंखें कोई भी शादी या बड़े फंक्शन के पहले हो तो हमें बहुत परेशानी होती है, पर चिंता ना करें, इसको भगाने का राज हमारे किचन में ही छुपा है। स्पून को आप फ्रीज करें और आंखों पे ऐसे यूज करें मेरी तरह, फिर देखें पफिनेस गायब, आई प्रॉमिस। कभी कभी काफी समय तक लिपस्टिक लगाने के बाद मेरे होंठ सूख जाते हैं, ऐसे समय पर मैं डैम टिश्यू पेपर लेकर होंठों पे डैप करती हूँ और फिर उन पर लिप बाम लगाती हूँ। ये एकदम पक्का काम करता है। दुल्हन और उनकी सब फ्रेंड्स के लिए ये चिंता की बात है, शादी और आंसू को कोई नहीं टाल सकता। रोते वक्त जब मस्कारा फैल जाए तो एक क्यूटिप लेकर उसे पानी में गीला करें और फिर अपना खराब मेकअप साफ करें और सूखे तरफ से सोख लें। हम यहाँ गर्मी की बात कर रहे हैं। इंडियन वेडिंग में भारी कपड़े पहनने की वजह से एसी में रहकर भी बहुत गर्मी होती है, ऐसे में मेकअप खराब हो ही जाता है। अगर आपके पास फेस मिस्ट है तो चिंता की कोई बात नहीं, सिर्फ स्प्रे करें और सुंदर और फ्रेश दिखे। सोचिए उस दिन के बारे में जब आपके बाल सही नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू बोलिए हेयर सीरम और आर्गन ऑयल को। तो इसके लिए लीजिए मटर के बराबर आर्गन ऑयल और उसको अच्छे से मिलाए, फिर ड्राई एंड्स पे लगाए। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हेयर फ्लाईवेज आपको परेशान कर रहे हैं तो सिर्फ थोड़ा लिप बाम लगाए और उन्हें सेट करें। शादी के समय दुल्हन, उसके माता पिता, रिश्तेदार और दोस्त बहुत स्ट्रेस और तनाव से गुजरते हैं। इसके लिए आप तीन चीजें करें, मेडिटेशन, दूसरा च्युइंगम चबाए और कैफीन का उपयोग बिल्कुल मत करें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मेकअप एकदम सही है और आप जोकर की तरह नहीं दिख रहे? अपनी सेल्फी लीजिए और आपकी सारी गलतियां नजर आ जाएगी। अगर किसी फेस्टिव फंक्शन या इम्पोर्टेंट डे के आखिरी मोमेंट पर ऐसी परेशानी सामने आती है तो आप इन आइडियाज़ को अपनाएं। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट या सुझाव फंक्शन या शादी सीजन को लेकर है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।